चल चल देखो देखो आओ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आज जो है मतगणना की तारीख घोषित की गई थी, उसी के अनुसार आज मतगणना प्रातः 9 बजे से प्रारंभ की गई। सारे अभ्यर्थियों को पहले ही पास जारी किए जा चुके थे और जो है मतगणना कर्मियों को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। सभी लोग समय से आए और ठीक 9 बजे मतगणना प्रारंभ हुई। सबसे पहले ईडीवी के मतपत्रों की, जिनकी संख्या 82 थी, गिनती की गई और उसके बाद दो चरणों में ईवीएम मशीन से गणना की गई है। गणना में जो विजयी हुए हैं उस परिणाम की माननीय प्रेक्षक महोदय से उनसे स्वीकृति लेकर के अब परिणाम घोषित कर दिए गए। पार्षद पद के प्रत्याशी के चुनाव जीते हो, क्या कुछ कहोगे? जनता ने कितना विश्वास जताया, कितना भरोसा जताया? यह बितरवार नगर हमारे गोलेश्वर महादेव की पावन नगरी है। वार्ड क्रमांक 1 भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे पार्षद का टिकट दिया गया और मुझे कहने में भारी प्रसन्नता है कि गोलेश्वर बाबा की कृपा से मध्य प्रदेश में ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा। प्रत्याशी तो प्रचार करता ही है, प्रत्याशी के साथ साथ उसके सपोर्टर भी प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे इस वार्ड में मतदाताओं ने भी प्रचार किया। उन्हें यह हर समय चिंता थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो, हमारे वार्ड में विकास हो, हमारे नगर में विकास हो और सभी मतदाताओं की जीत मेरी जीत है, हमारे भितरवा नगर की जीत है। और मेरे द्वारा भी ये प्रयास किया जाएगा कि जो जनता ने एकजुट होके साथ दिया, वार्डवासियों ने साथ दिया, तो मैं अपनी पूरी ताकत से उस वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष जी का चुनाव होना है आगे, तो क्या कुछ दावेदारी रहेगी अध्यक्ष के लिए? ये हमारी पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के करीब 6 पार्षद आए हैं, 5 निर्दलीय हैं। हम सब मिलजुल के बात करेंगे, वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे और उनका निर्णय ही सर्वोपरि माना जाएगा। और कोई उम्मीदवार लग रहा है भाजपा से, क्या वरिष्ठ नेतृत्व में आते हो? अब मैं इस विषय पर इमरान जी नहीं बोलूँगा, ये तय करेगी पार्टी और आप सब लोग तय करोगे। बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था और एक ही सीट पर जीत कर आई है, क्या कुछ कहना है? नहीं, पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जनता ने विश्वास जताया, जनता के विश्वास पर कितना करें विकास के लिए? अगर वार्ड नंबर 9 की बात करें, नहीं, मैं पूरा ये प्रयास करूँगा। वार्ड 9 क्यों, हम पूरे नगर का विकास की दम रखते हैं, पूरे नगर में हम विकास करेंगे, केवल वार्ड 9 नहीं। अध्यक्ष के लिए कोई दावेदारी आपकी तरफ? जो पार्टी मैंडेट देगी वो करेंगे। आज नगर परिषद दरबार की गणना कार्यक्रम हुआ, किस तरीके से सर पुलिस की व्यवस्था थी, कितना बल पूरा लगाया गया था, किस तरीके से व्यवस्था की गई, शांतिपूर्ण तरीके से जो गणना संपन्न होगा? आज यहाँ पर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में नगर परिषद की गणना सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई थी। हमारा फोर्स सुबह लगभग 8 बजे 50 से 60 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो गया था और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे हैं। जहाँ पर मतगणना हुई है वहाँ पर भी हमने बल लगाया और उसके साथ साथ बाहर भी पूरी तरह से बल शांति स्थापित करने के लिए लगाया गया, जिससे कहीं भी कोई अप्रिय घटना होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर और उस स्थिति को संभाल सके। और ऐसी कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है और इसके बाद भी लगभग रात तक पुलिस की गश्त लगातार जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसके साथ ही आगे जो भी कार्यक्रम रहेंगे इसके, चुनाव के, विजयी जुलूस के या जो भी रहेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था पृथक से लगाई जाएगी। सर, क्या विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई? किस तरीके से जुलूस निकालने में उनको प्रत्याशियों को निर्देशित किया गया? नहीं, अभी इस संबंध में ऐसे कोई SDM साहब की तरफ से निर्देश नहीं आए हैं और जो भी होगा हम बैठ के विचार करके और आगे की कार्रवाई करेंगे।